जोहार। देखिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के अंतर्गत झारखंड के 24 जिलों से अब तक 29 लाख महिलाओं ने फॉर्म को भरा है और अब इन महिलाओं को झारखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने 1,000 रुपये यानी कि साल भर में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इन महिलाओं के खाते में पहला किस्त 1,000 रुपये कब आएगा, तो इसको लेकर के आज के समाचार पत्र में एक न्यूज प्रकाशित हुआ है जो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया कि ये जो 29 लाख महिलाओं ने फॉर्म को भरा है और इन महिलाओं के फॉर्म में अगर किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो इन महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये किस दिन से आना शुरू होगा। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इस न्यूज को लाइन बाय लाइन बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जो पहला किस्त आप लोगों के खाते में या फिर जिन्होंने फॉर्म को भरा है उसके खाते में आने से संबंधित यह जो न्यूज प्रकाशित हुआ है, इसे हम लोग लाइन बाय लाइन देखें तो आप लोग सबसे ऊपर में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के दिन बहनों के खाते में भेजेंगे मैया समान योजना की राशि, यानी कि ये जो 1,000 रुपये इन बहनों का जिन्होंने फॉर्म को भरा है जो भेजा जाएगा बैंक के खाते में, कब से भेजना शुरू होगा, तो रक्षाबंधन के दिन से। और आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन जो है वो 19 अगस्त को, यानी कि 19 अगस्त से ये पैसा बहनों के खाते में आना शुरू होगा, लेकिन सभी महिलाओं के खाते में ये पैसा नहीं हो जाएगा। कितने महिलाओं के खाते में ये पैसा आएगा तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तोहफा, यानी कि रक्षाबंधन के दिन बहनों को जो तोहफा मिलता है भाइयों की तरफ से, तो इसी दिन आप लोगों को 1,000 रुपये का तोहफा मिलने वाला है, जिसमें आगे लिखा हुआ विशेष संवाददाता रांची, यानी कि यह जो न्यूज है, ये जो समाचार है प्रभात खबर समाचार पत्र में आज प्रकाशित हुआ है, जिसमें आगे लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की राशि वितरित करेंगे। जो हम लोग देख रहे हैं जो पहला किस्त आएगा किस दिन आएगा, तो रक्षाबंधन के दिन और 19 अगस्त को आएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इसी दिन से योजना का शुभारंभ हो जाएगा, यानी कि ये जो बहुत बड़ी लोक कल्याणकारी योजना है झारखंड सरकार की, तो इसका जो शुरुआत है किस दिन से होगा, तो 19 अगस्त से रक्षाबंधन के दिन से होगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि सूत्रों ने बताया कि इसकी तैयारी सरकार कर रही है और CM चाहते हैं कि रक्षाबंधन के दिन ही वह महिलाओं को यह उपहार दें, यानी कि ये जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय हेमंत सोरेन है, तो इसका मानना है कि रक्षाबंधन के दिन ही हम अपने बहनों को या फिर क्या कि झारखंड के महिलाओं को 1,000 रुपये दें। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है और ये कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री सांकेतिक रूप से 151 महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से 1,000 रुपये भेजेंगे। हम लोग जो यहां पर देख रहे हैं 19 अगस्त को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुल मिलाकर के 151 महिलाओं के खाते में पहले पहल 1,000 रुपये भेजेंगे और इसके बाद बाकी महिलाओं के खाते में भी आना होगा, शुरू होगा। लेकिन किन किन महिलाओं के खाते में आएंगे इसके बारे में आगे लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि इसके साथ ही राज्य में यह योजना विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी और जिन महिलाओं का के द्वारा जमा किए गए फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाई जाएगी उनके खाते में क्रमशः राशि जानी शुरू हो जाएगी। यानी कि आप लोगों ने जो फॉर्म को भरा है 3 पेज का फॉर्म का था, जिसमें घोषणा भी दिया गया था, साथ ही साथ आप लोगों ने उसमें बहुत सारे कागज का जेरोक्स भी दिया है, तो उसमें किसी तरह का अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी तो आप लोगों का भी ये जो पैसा है आना शुरू होगा। लेकिन शुरू शुरू में मात्र 151 महिलाओं के खाते में 19 अगस्त को भेजा जाएगा और इसके बाद 20 अगस्त 21 अगस्त इसके बाद आप लोगों के खाते में भी ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग बढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके बाद से प्रत्येक माह की 15 तारीख को राशि खाते में भेज दी जाएगी, यानी कि पहली बार जो हम लोग देख रहे हैं आप लोगों का 19 अगस्त को आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो पैसा आएगा यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर या फिर आगे जब तक आप लोगों का उम्र 50 साल नहीं हो जाता है तब तक ये पैसा आपके खाते में कब आएगा, तो 15 तारीख तक आ जाएगा प्रत्येक महीने, यानी कि साल भर में जो आप लोगों का 12,000 रुपये मिलेंगे तो प्रत्येक महीने 15 तारीख के आसपास या उससे पहले ही आपके खाते में भेजा जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं
लिखा हुआ है कि 29 लाख आवेदन मिले अब तक, यानी कि कुल मिलाकर के अभी तक कितने महिलाओं ने फॉर्म को भरा है, तो 29 लाख। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया पूरे झारखंड के 48 से लेकर के 50 लाख महिलाओं को इसके द्वारा लाभान्वित करने का कोशिश किया जा रहा है। इतने महिलाओं को इसमें 1,000 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस माह के अंत तक सभी के खाते में चली जाएगी राशि हेमंत सोरेन, यानी कि जितने महिलाओं ने फॉर्म को भरा है तो उसके खाते में ये पैसा कब पहुंचेगा, सभी महिलाओं के खाते में। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि सोमवार शाम 7 बजे तक करीब 29 लाख बहनों का सफलतापूर्वक निबंधन हो चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कुल मिलाकर के 29 लाख बहनों का, महिलाओं का फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, ऑनलाइन भी किया जा चुका है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि मध्य रात्रि तक यह आंकड़ा 30 लाख पार कर जाने की उम्मीद है। और सीएम ने कहा कि पंचायत से लेकर जिलों, विभागों एवं मंत्रालय के सभी कर्मियों को साधुवाद जिनकी मेहनत से यह लक्ष्य हासिल हो पाया है। ये जो योजना शुरू की गई है तो इसके अंतर्गत डीसी है, साथ ही साथ बीडीओ सीओ है या फिर जितने भी ब्लॉक के कर्मचारी हैं, तो ये सभी इसमें दिन रात लगे हुए हैं, जिसके कारण यह जो 29 लाख या फिर 30 लाख महिलाओं का फॉर्म भरा गया है ये लक्ष्य पूरा हुआ है और वहीं पर आगे भी पूरा होने की संभावना है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस माह के अंत से पहले सभी बहनों के खातों में समान राशि की पहली किस्त भेज दी जाएगी, यानी कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं 15 अगस्त तक ये शिविर लगा हुआ है, तो इस शिविर में जिन जिन महिलाओं के द्वारा फॉर्म को भरा जा रहा है तो इन सबों के खाते में जो हम लोग देख रहे हैं इस महीने के अंतिम तक, यानी कि अंतिम जो दिन होगा तो उस तिथि तक आपके खाते में 1,000 रुपये चले जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक महीने आना शुरू होगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि सरकार यह योजना फरवरी से ही लागू करना चाहती थी लेकिन विपक्ष की साजिशों को नाकाम करने में समय लगा। यहां जो हम लोग देख रहे हैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कहना है कि हम इस योजना को फरवरी 2024 से ही शुरू करना चाहते थे लेकिन राजनीति में बहुत चीज चलता है दांव पेंच, तो उसके कारण जो इन्होंने शुरू नहीं किया था। अब हकीकत क्या है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ही जाने। आगे इसमें लिखा हुआ है कि 48 लाख महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य, झारखंड के कुल मिलाकर के 48 लाख महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 1,000 रुपये देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद आगे इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाली 21 से 49 वर्ष तक के महिलाओं की संख्या लगभग 48 लाख होगी और इन सभी महिलाओं को योजना का लाभ देना है। और अब तक 29 लाख से अधिक महिलाओं ने योजना के तहत फॉर्म जमा कर दिया है और फॉर्म की स्क्रूटनी चल रही है, यानी कि आप लोगों ने जो फॉर्म को भरा है पूरे झारखंड के 29 लाख महिलाओं ने, तो आपका जो फॉर्म है उसका स्क्रूटनी चल रहा है, यानी कि जांच पड़ताल चल रहा है कि उसमें सही ढंग से आप लोग भरे हैं कि नहीं, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे ढंग से अटैच किए हैं कि नहीं, उसमें किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा तो आपका पास हो जाएगा और आपका SMS आएगा या फिर फोन कॉल आएगा और इसके बाद आपको जो है 1,000 रुपये प्रत्येक महीने मिलना भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे इसमें लिखा है कि बताया गया कि जिनका पेपर अप टू डेट है उन महिलाओं का नाम योजना में तत्काल शामिल किया जा रहा है, यानी कि जिसके फॉर्म में किसी तरह का कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो उसको तत्काल इस योजना में ऐड किया जा रहा है ताकि इन लोगों को जो पैसा है वो तुरंत मिल जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में देखा कि इस पेपर में, यानी कि जो प्रभात खबर में ये जो न्यूज प्रकाशित हुआ था, तो उसमें झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का पहला किस्त जो है आपके खाते में कब आएगा, तो कुल मिलाकर के 151 महिलाओं को जो पैसा है वो रक्षाबंधन के दिन यानी कि 19 अगस्त को दिया जाएगा। और इसके बाद बाकी जो महिलाएं हैं जो हम लोग देख रहे हैं 29-30 लाख है या फिर 48 लाख महिलाओं को जो इसमें लक्ष्य रखा गया है, तो इनके खाते में भी कब पैसा आएगा, तो इस महीने के अंत से पहले सभी बहनों के खाते में ये पैसा आ जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए आज का महत्वपूर्ण न्यूज था या फिर कहें कि इस योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। और ठीक इसी तरह से इस योजना से संबंधित जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं और इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड, थैंक यू।